कैमूर के मोहनिया प्रखंड के अकोड़ी गांव के किसान पिछले 10 दिनों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। अकोड़ी गांव जीटी रोड और रेलवे लाइन के बीचों बीच है। बरसात के पानी की निकासी के लिए पंडित दीनदयाल गया रेलखंड में पुलिया बनी है, लेकिन इससे जल निकासी नहीं होने से अकोड़ी, मुबारकपुर और डिडखिली माजा में करीब हजारों एकड़ में लगी धान की फसल हर साल बर्बाद हो जाती है और समय अनुसार रबी फसल की बुवाई भी नहीं हो पाती। पीड़ित किसानों ने कहा कि रेलवे पदाधिकारी की उदासीनता से ये समस्या गंभीर बनी हुई है। करीब 8 साल से रेल लाइन में बनी पुलिया जाम है, इससे जल निकासी बाधित है। कई बार ग्रामीण, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन और अंचल अधिकारी से जल जमाव की समस्या के निदान के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस के तस बनी हुई है। आज मोहनिया अंचल कार्यालय में आए हैं। अंचल कार्यालय में आज तो सिर्फ अकोड़ी गांव के कुछ चंद किसान आए हुए हैं, जिनकी समस्या सिर्फ अकोड़ी की नहीं है, समस्या आज पूरे मोहनिया अंचल की है। जब से रेलवे का चौड़ाकरण हुआ है, पूरा आप देख सकते हैं वहाँ बरेज से ले करके और दुर्गावती तक पूरा रेलवे से दक्षिण साइड का हिस्सा हमेशा पानी में डूबा रहता है, जिससे 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पानी में एक तालाब की तरह रूप ले लिया है और वहाँ के लगे हुए फसल पूरी तरह से हर साल नष्ट हो जाता है। हम लोग आज आए हैं कि सीओ साहब से मिल करके हम लोग एक आवेदन देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सीओ साहब रेलवे से गुजारिश करें कि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ एक पक्की नाले का निर्माण हो, जिससे कि जिस तरह से पहले पानी निकल जाया करता था नदी में, वैसे ही निकल जाया करे। अगर प्रशासन ये बात का हवाला देता है कि नहीं बाढ़ आया हुआ था या बारिश अत्यधिक होने की वजह से पानी जाम है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ रेलवे की उदासीनता का प्रमाण है। उसकी उदासीनता की वजह से आज 10 साल से किसान अपने फसल नहीं काट पा रहा है, भुखमरी के कगार पर खड़ा है। पिछले बार भी हम लोग किसान बहुत पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं, पिछले बार भी ये सीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ और एसडीएम के यहाँ ये लोग अपना आवेदन दिए थे। पेपर पत्रिका में के माध्यम से भी हम लोगों ने जाना कि ये लोग काफ़ी जो है चिंतित हैं और भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, लेकिन प्रशासन ने किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी सीओ साहब बोले हैं कि कल वो आएंगे, स्थल का निरीक्षण करेंगे, तत्पश्चात रेलवे को अपना रिपोर्ट देंगे कि रेलवे दोनों तरफ मजबूत पक्का नाले का निर्माण करके पानी निकालना सुनिश्चित करें। यही नहीं, जल जमाव का निरीक्षण करने के लिए डीएम, एसडीएम और कई पदाधिकारी स्थल पर आकर रूबरू भी हुए। पदाधिकारियों ने कई बार स्थल का निरीक्षण करके किसानों को आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। क्या मामला आपका, क्या दिक्कत? मामला अकोड़ी 8-10 गाँव का मामला है। लगभग डिखली हुआ, मुबारकपुर हुआ, ये 8-10 गांव की समस्या है कि जो है जल निकासी हम लोग का कहीं नहीं है। जितना पानी जाता है 250 गांव से पानी जाता है अकोड़ी में, और वहां जो है जल जमाव बना हुआ है। एक चुटकी जो है हमारे लोग के यहाँ धान नहीं बच रहा है, जो हम लोग 10 साल से यहां हम लोग चक्कर लगा रहे हैं हर साल। कौन बीघा है आप लोग का? लगभग 500 एकड़ खेत है जो पानी में डूबा है। जी, आज भी डूबा हुआ है, जो कि पानी बहुत कम हो गया है उसके बावजूद भी फसल डूबा हुआ है। कहीं कोई चीज खाली जल ही जल दिखाई दे रहा है, जो हम लोग दौड़ते दौड़ते सो है थक चुके। अब हम लोग का लास्ट निर्णय में हम लोग आ गए हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हाथ में भी हम लोग कर सकते हैं, इस पर हम लोग थक चुके हैं। तो आज कहाँ आए आवेदन लेकर? आप सीओ साहब के पास। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कहाँ घर पड़ेगा? घर अकोड़ी। वही मोहनिया सीओ राजीव कुमार ने कहा कि किसानों के द्वारा जल जमाव की समस्या को लेकर आवेदन दिया गया, जल्द ही हम लोग स्थल पर जाकर जांच करेंगे, जो भी जांच में पाया जाएगा उसके आधार पर जिला अधिकारी को अवगत कराया जाएगा, ताकि समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। आए थे सर बाढ़ का पानी के लिए, सर क्या मामला? अकोड़ी पंचायत के ग्रामीण आए थे, हम लोग का कहना है कि हम लोग का हजारों एकड़ जमीन में काफी बरसात और बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, उसका निकासी बंद है। ये रेलवे का भी वहाँ पर काम चल रहा है। ये लोग का डिमांड है कि रेलवे के द्वारा दोनों तरफ से पानी निकासी का रास्ता बना दिया जाए, या तो उसका नहर टाइप का बना दिया जाए या कोई पुलिया टाइप का बना दिया जाए। ये डिमांड है, क्योंकि ये इन लोग का वर्षों से इनका फसल नष्ट हो रहा है। इनके द्वारा अपना आवेदन पत्र दिया गया है, जिसकी जाँच कल हम लोग करेंगे। जाँच में जो पाया जाएगा स्थिति से जो है बिंदुवार हम लोग जिला पदाधिकारी को अवगत कराएंगे। पीड़ित किसानों ने कहा कि शासन प्रशासन अगर इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं करता
तो हम लोग जीटी रोड और रेल यातायात जाम करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।